यूं तो एक से बढ़कर एक लेखक देखे हैं समय ने, लेकिन कहते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा की विशालता की बात ही निराली है। ये ऐसा लेखक है जिसने कभी खुद समय को ही एक पात्र बना, उसी से एक प्राचीन भारतीय गाथा को सुना, उसे आधुनिक कर दिया, तो कभी एक नीम के पेड़ की जुबानी दो भाइयों की नफरत की कहानी जिसमें कुछ मोहब्बत के छींटे भी थे, साथ में जमींदारी में पिसते उनके मुलाजिम की दास्तां सुना दी। कभी इस लेखक ने गंगा को संबोधित करते हुए आधा गांव में कहा, गेंदले पानी की इस महान धारा को न जाने कितनी कहानियां याद होंगी। गाजीपुर को इसका ख्याल भी नहीं आता कि गंगा की पाठशाला में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुने। राही साहब की ये निराली विशालता उनके हाई आईक्यू से उपजती या उनके खुले दिल की वजह से? वो अपने दिल की सुनते थे और जो दिल कहता था वो लोगों को बता देते थे। और यही हिदायत दी उन्होंने सबको। उम्र भर तूने जमाने का कहा माना है, उम्र भर तूने जमाने का कहा माना है, दिल की आवाज भी सुन, देख तो क्या कहता है। उनका जो नुक्ता नजर, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था, वो दुनिया से निराला और नया होता था। वो गंगा को अपनी दूसरी माँ मानते थे। वहां उन्होंने वसीयत की है कि मृत्यु के बाद उनको गंगा की गोदी में सुला दिया जाए। राही साहब का स्वतंत्र व्यक्तित्व इसमें भी झलकता कि वो अपनी नई नज्म पहले अपनी बहू पार्वती को सुनाते। जब भी वो कोई नई गजल लिखते थे तो सबसे पहले वो फोन करते थे और पार्वती से कहते थे, अमा खां पार्वती तुम आ जाओ। यानी राही साहब का ये शेर खुद उन पे खरा उतरता, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं मगर जाना, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं मगर जाना, जुल्म ये है कि बेमिसाल हो तुम। लेखन में भी और निजी जीवन में भी। किसी ने गुलाब का फूल दे दिया और उसकी फिल्म लिख दी। एक साहब की तो फिल्म उन्होंने दो बीड़े पान पे लिखी। जब सिटिंग पे आते थे बनारसी के यहाँ से खार में दो बीड़े पान ले आते थे, उसको पूरी फिल्म लिखी। राही साहब की पकड़ और सोच कितनी असीम है, ये पर्दे पर प्रकट हुआ बीआर फिल्म्स की महाभारत से। ये बात होती कि एक मुस्लिम क्या लिखेगा महाभारत। मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर साहब ने सबका मुंह बंद कर दिया उसके बाद। देश प्रेम के बारे में भी वो कितने गहरे थे। देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, न पिता, न पुत्र, न कोई प्रतिज्ञा। उन्होंने स्वयं भी इस गहरे देश प्रेम को जिया। फिल्म राइटर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी के फेवर में जमाने में और इंदिरा गांधी के की तारीफ करते हुए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहा, तो उसमें राही साहब अकेली डिसेंटिंग वॉइस थे और वो जब नहीं वो माने और उन्हें पास किया तो वो वॉकआउट कर गए। तो राही साहब ने हमसे कहा कि वो रात मेरी लगभग जागते कटी और ये सोच के कि किस वक्त पुलिस मेरे दरवाजे पर नॉक कर रही होगी। वो फांसी के तख्ते पे खड़े होके सच बोलने वाले आदमी थे। महिला शक्तिकरण के लिए भी जो उन्होंने सवाल उठाए वो भी अन्याय को झिंझोड़ कर जगाने वाले थे। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी, और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं। ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, ये प्रश्न कर रही है नारी जाति। चाहे वो उनकी शख्सियत के पहलू थे या उनके लेखन के, उस सब में दिखता था तो यही कि उनके अंदर का प्याला पूरा प्रेम से भरा था और वही बाहर छलक छलक जाता था, कभी नॉवेल्स में, कभी फिल्म्स में, कभी टेलीविजन पे, तो कभी उनकी शायरी में। ऐ सबा तू तो उधर से गुजरती होगी, ऐ सबा तू तो उधर से गुजरती होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशान कैसे हैं? तो राही साहब, आपके कदमों के निशान हमारे प्रेरणा स्तोत्र हैं कि हम भी दिल की सच्चाई और सादगी से जिएं और लिखें प्रेम के रंगों में। बेबाक।
मेरे दोस्त संजय चौहान ने मुझे हुक्म दिया कि मैं राही मासूम रजा साहब के बारे में कुछ कहूं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे टॉर्च की रोशनी में चांद को तलाश किया जाए। राही साहब बहुत बड़ी शख्सियत। ये हमारी बदनसीबी है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस शख्सियत का, उस इतने बड़े कैनवस का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाते हैं, और वो है उनकी सीरियल राइटिंग, और वो भी महाभारत। लेकिन राही साहब इतने छोटे नहीं थे। राही साहब एक मल्टीफैसेटेड कैरेक्टर थे, और अगर आप उनके करीब जाके उनको समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका फैलाव, उनका विस्तार कितना दूर तक गया है। उनकी सबसे बड़ी पहचान जो थी वो थी कि वो एक बहुत ही अच्छे शायर थे, और ये शायरी उस ज़माने में वो कर रहे थे जब उनके मुकाबले पर उनके साथियों में बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, मजाज हुआ करते थे, सरदार जाफरी हुआ करते थे, खलील-उर-रहमान आज़मी हुआ करते थे, जानिसार अख्तर हुआ करते थे, कैफी आज़मी हुआ करते थे, दर्जनों हुआ करते थे, और उस ज़माने में वो आदमी जो है वो अपना सिक्का बंद करता। अलीगढ़ में जब वो पढ़ाते थे उस ज़माने से ही उनकी शोहरत जो थी वो दूर दूर तक फैलना शुरू हो गई थी। कुछ शायर ऐसे होते हैं जो गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो नज़्म बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन राही साहब नज़्म और गज़ल दोनों के ऊपर बराबर की दस्तरस रखते थे। उन्होंने गाने भी लिखे हैं। आप में से शायद ही कोई होगा जिन्होंने जगजीत का गाया हुआ वो गीत हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, नहीं सुना होगा। कमाल का गाना था और कमाल चला था। वो बहुत अच्छे अदीब भी थे। नावल उन्होंने, मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 8 या 9 नावल उन्होंने लिखे। उनका सबसे मशहूर नावल आधा गांव, जो साहित्य एकेडमी अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया था, लेकिन बदनसीबी से वो अवार्ड उनको नहीं मिल सका, क्योंकि उस ज़माने में जो लोग साहित्य एकेडमी में हुआ करते थे सिलेक्शन बोर्ड में, उनका कहना ये था कि इसमें गालियाँ बहुत हैं, और गालियाँ उसमें इसलिए थी कि जो गांव के लोग हैं वो आपस में जिस तरह बातें करते हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे यकीन है कि आज के ज़माने में अगर वो नावल होता और साहित्य एकेडमी को भेजा जाता तो क्यों वो ज़रूर पास हो जाता, क्योंकि आज तो बहुत सारी फिल्मों में गालियाँ होती। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत सारे नावल भी लिखे हैं। उनका ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन नंबर 75 और न जाने कितने मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत प्यार से लिखा करते थे। जो कुछ उन्होंने लिखा वो आज भी एक मिसाल के तौर पर किया, क्योंकि उसमें मिट्टी की खुशबू है। वो अपने जो उनका जो छोटा सा गांव था गंगोली, उसकी जो मिली जुली तहजीब थी, जिसे वो छोटा सा हिंदुस्तान कहा करते थे, उस हिंदुस्तान की तहजीब को, जो गंगा जमनी तहजीब थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, हिंदू मुसलमान को बुरा नहीं कहता था और मुसलमान हिंदुस्तान हिंदू से नफरत नहीं करता था, उस तहजीब को उन्होंने हर जगह पेश करने की कोशिश की है। टोपी शुक्ला उनका एक बहुत मशहूर नावल है जिसमें हिंदू मुस्लिम रिलेशंस और उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बयान किया है। ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि राही ने क्या किया था और वो क्यों बड़े हैं, क्यों अजीम हैं। अब बात आती है उनके टीवी लेखन की और सिनेमा लेखन की। बेशक उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत अच्छी फिल्में लिखी, एक दो फिल्मों के ऊपर उनको अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उन्हें जाना गया, माना गया
उसी एक सीरियल से, हालांकि सीरियल उन्होंने और भी लिखे हैं, नीम का पेड़ उनका बहुत अच्छा सीरियल था, लेकिन उनका जो ज़्यादा मशहूर जो काम है, जो उनकी पहचान बन गया, वो था महाभारत। महाभारत के वो बहुत से किस्से सुनाया करते थे। महाभारत जब वो लिखने के लिए जब उनसे बी आर चोपड़ा के यहाँ बात हुई कि महाभारत कौन लिखेगा, और बी आर चोपड़ा ने, जो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे और बहुत ज़माना शनास आदमी थे, उन्होंने कहा कि राही साहब लिखेंगे, क्योंकि राही साहब सिर्फ उर्दू के राइटर नहीं थे, राही साहब कई ज़ुबानों को के माहिर थे, इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे, उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, फारसी जानते थे, हिंदी जानते थे, और हिंदी में उनके कई नावल भी छपे हैं, और थोड़ी बहुत संस्कृत भी समझ लेते थे। तो उन्होंने कहा कि राही साहब लिखेंगे, लेकिन लोगों को बड़ा एतराज़ हुआ, उन्होंने कहा कि एक मुसलमान महाभारत लिखेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राही साहब ने कहा कि जो मैं लिखूँगा पहले एक बार उसको सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि एक मुसलमान इंसाफ नहीं कर पा रहा है इस सब्जेक्ट के साथ, तो फिर मैं कलम रख दूंगा, नहीं लिखूंगा। यहां एक सवाल ये पैदा हुआ, उस वक्त ये तय हो गया कि राही साहब लिखेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि जो हमारी जो मैथोलॉजी है उसमें तो ये है कि वेद व्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश उसको लिखते जाते थे, तो अब स्क्रीन पे कैसे दिखाया जाएगा, वो व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं, ये तो बड़ा ऑड लगेगा। तो फिर किसको, किसी ऋषि मुनि को बिठाया जाए, वो बोल रहा है पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक चबूतरा है, उसके नीचे एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा बैठा हुआ है और वो कहानी सुना रहा है महाभारत की, क्या ऐसा किया जाए, ये भी बड़ा अजीब लगेगा। तो राही साहब थे जिन्होंने ये कहा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार, सबसे बड़ा हिस्टोरियन जो है वो वक्त है, और वक्त ये कहानी सुनाएगा। इसलिए जब महाभारत शुरू होता है तो मैं समय हूं कि जो आवाज़ आती है, आप पता नहीं आप में से कितनों को याद होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये आवाज़ शुरू होती थी तो एक कर्फ्यू जैसा लग जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी और लोग जो थे वो होटलों में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि होटलों में उस वक्त सिर्फ एक प्रोग्राम चलता होता था होटलों के टीवी में, और वो था महाभारत, ये उसकी पॉपुलैरिटी थी। राही साहब ने हिंदी में लिखा या जिस जबान में भी लिखा ये एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन राही साहब ने जिस तेवर से लिखा, जिस खूबसूरती से लिखा, उसके अंदर एक राइटर की जो खूबियां हैं वो किस तरीके से उन्होंने महाभारत में इस्तेमाल की हैं, वो देखने के लिए महाभारत अगर कहीं मिल जाए तो दोबारा ज़रूर देखिए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें मुकेश खन्ना साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, कुछ उन्होंने उदाहरण दिए थे और मैं हिल गया जब उन्होंने एक 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 डायलॉग बोला, क्योंकि वो एक डायलॉग जो है वो उस वक्त की पूरी पॉलिटिक्स को, उस वक्त के पूरे हालात को न सिर्फ ये के बयान कर रहा है बल्कि एक सीख भी दे रहा है कि सीन ये है कि वो क्या नाम था जो आँख पे पट्टी बांधती थी, हाँ जी, वो जो है गांधारी, गांधारी जी जो हैं वो पितामह के पास आती हैं और पितामह से कहती हैं कि पितामह आप तो हम सब में बड़े हैं, आप तो हम सब से ज़्यादा जानते हैं, आप युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझाते। और पितामह कहते हैं पुत्री मैं क्या समझाऊँ, इसलिए कि जब छाया शरीर से लंबी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सूर्यास्त होने वाला है। इसे कहते हैं कुल्लड़ में दरिया भरना, कि ये इतने छोटे से जुमले के अंदर उन्होंने पूरा एक इतनी बड़ी बात जो थी वो पितामह की जबान से उन्होंने कहलवा दी। वो बेपनाह लिखने वाले, बहुत अच्छे लिखने वाले थे
और आपको ताज्जुब होगा कि बड़े अजीब तरीके से लिखते थे। हम और आप उस लिखने के उस अंदाज का तसव्वुर नहीं कर सकते। बैंड स्टैंड पर उनका फ्लैट हुआ करता था, मेरा ख्याल है देवदूत में, तो वो शायद टू बेडरूम हॉल का वो था। हॉल के अंदर सामने अपने राही साहब का गद्दा, एक दो गांव तकिए, और राही साहब उसके ऊपर आधे लेटे आधे बैठे, चार छः फाइलें चारों तरफ बिखरी हुई हैं और वो लिखे आधे लेटे आधे बैठे उसके ऊपर वो लिख रहे हैं। एक वक्त में चार चार चीज़ें लिखा करते थे, मतलब नावल भी लिखा जा रहा है, फिल्म के डायलॉग भी लिखे जा रहे हैं, सीरियल भी लिखा जा रहा है, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, दोस्तों को खत भी लिखे जा रहे हैं। एक फाइल उठाया दूसरा रखा, दूसरा उठाया तीसरा रखा, इस तरीके से करते हैं। ये ही नहीं, घर में शोर हो रहा है, माशाल्लाह भरा पूरा घर था, बेटे थे, बेटियां थीं, बीवी थी, बच्चे थे, सब थे, तो 13-14 आदमी हुआ करते थे। तो उनकी बीवी जो है वो गाने सुन रही हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नौकर जो हैं उनका अलग टंटा चल रहा है कि क्या पकेगा क्या खिलाया जाएगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और एक पोता जो है नदीम का बेटा वो उनके पीठ पे चढ़ा हुआ घोड़ा घोड़ा खेल रहा है और राही साहब लिख रहे हैं। उन्होंने खुद एक मरतबा बताया था कि कोई प्रोड्यूसर थे, वो राही साहब को कश्मीर ले गए कि राही साहब ये बड़ी अच्छी जगह है, एकांत में बैठ के आप यहाँ लिखिए, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। राही साहब कोई 18-20 दिन वहाँ रहे, जो खाली कागज़ लेके गए थे खाली कागज़ लेके चले आए। थोड़ा आपने लिखा क्यों नहीं, कहने लगे भाई देखो जब तक वो बैकग्राउंड में मेरे घर की आवाज़ें नहीं हो मैं नहीं लिखा। तो वो आवाज़ें उनके लिए म्यूज़िक का काम करती थी और वो लिखते थे। बहुत मुश्किल है इस तरह का कंसंट्रेशन करना, लोगों को अगर तो अगर बिल्ली भी गुजर जाए तो उसकी उसके पाँव की चाप से तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो लिखा करते थे। अपने तर्ज के एक ही आदमी थे मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर आप उन्हें उनका हुलिया अगर आप कोई में से कुछ लोगों को शायद याद होगा, शेरवानी पहना करते थे, अंगरखा पहना करते थे, और शेरवानी भी ऐसी आमतौर पर सफ़ेद शेरवानी हुआ करती थी, शेरवानी खुली रहती थी, उसके बटन नहीं लगाते थे, और उसके अंदर से उनका नहायत उमदा झलझल करता हुआ चिकन का कुर्ता दिखाई देता था, और उनका पानदान छोटा सा अपने डिबिया उनके सब वो पैराफर्नेलिया उनके साथ। और राही साहब जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे क्योंकि उनको बचपन में पोलियो हो गया था, लेकिन हैंडसम आदमी थे, जब जो भी पहनते थे अच्छा लगता था उनके ऊपर, बोलते बहुत अच्छा थे, लतीफ़े बहुत अच्छे सुनाते थे, और अगर कोई भला आदमी अच्छा लतीफ़ा सुना दे तो उस पर ऐसा ज़ोर का कहका लगा देते कि छत नीचे आ जाए। तो एक जब वो बॉम्बे आए फिल्म लिखने के लिए, कुछ लोगों ने उनको बुलाया, शायद भारत भूषण जी ने बुलाया, किसने बुलाया मुझे सही याद नहीं, लेकिन जब वो आए तो लोगों ने कहा कि राही साहब ये अलीगढ़ नहीं है ना लखनऊ है, यहाँ ये आपकी शेरवानी और अंगरखा और ये कुर्ता नहीं चलेगा, यहाँ ज़रा अपना हुलिया तो बदल दीजिए। कहने लगे देखो भाई अगर मैं चलूँगा तो मेरी शेरवानी भी चलेगी, मेरा अंगरखा भी चलेगा और मेरा कुर्ता भी चलेगा। और सच यही है कि आखिर वक्त तक उनकी शेरवानी भी चली, उनका अंगरखा भी चला और उनका कुर्ता भी चला। किसी ने ये नहीं कहा कि राही साहब आप ये क्या कपड़े पहनकर आ पाए हैं, वो उनकी एक पहचान थी, एक अदा थी उनकी। तो ये राही साहब, अब राही साहब के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है सुना जा सकता है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि राही साहब की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसे माहौल में जो पूरा कमर्शियल माहौल था उसमें अपनी वैल्यूज़ को ज़िंदा रखा,
ये जिन तीन बुजुर्गों का जिक्र हमने किया है, इन तीनों में ये चीज़ कॉमन है। आप देखिए अब्बास साहब में भी, शैलेंद्र जी में भी और राही साहब में भी, कि उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को अपने तरीके से हम तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरी दरख्वास्त है, और बड़े अदब से दरख्वास्त है अपने एसोसिएशन से, कि इस कस्म के छोटे छोटे सेमिनार या सिंपोजियम्स किए जाएं, जिसमें इन लोगों के काम को एनालाइज किया जाए, ये समझने की कोशिश की जाए कि ये लोग वे जादू कैसे दिखाते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर ऐसा किया गया तो हम में फिर कोई ना कोई शैलेंद्र, कोई ना कोई अब्बास, कोई ना कोई राही पैदा। शुक्रिया जावेद साहब। अब मैं बुला रहा हूं स्टेज पे राही साहब के फरजंद नदीम खान साहब को और उनकी बहू पार्वती खान। हाँ, नदीम साहब सिनेमेटोग्राफर हैं, पार्वती जी बहुत अच्छी सिंगर हैं। प्लीज, साथ ही मैं आवाज़ दे रहा हूँ रणधीर जी को। सर प्लीज़। जावेद सिद्दीकी साहब और रणधीर जी अवार्ड पेश करेंगे। थैंक यू। नदीम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखा और जावेद भाई ने जितना उनके लिए कह दिया। आदाब नीलमा, आदाब गुलजार साहब, आदाब सर विनय, कमलेश भाई एंड और रॉबिन भी है मेरा भैया। सो there's nothing more to say. It's like Neelama also said, you can understand the sentiment. It's very emotional for me. And do baat main kehna chahunga jo dimag mein aayi. Ek to parson unka birthday tha, so this is the best birthday present he can get. Thank you very much. And this is for you, boss. And he'd be very happy knowing that this award has come from his fraternity. He'd be happy. I'm sure he's watching from somewhere. I don't want to say anything more. I'll just give it to Parvati. She'll say to whatever she wants to say. Thank you so much. Namaste, adab, and hello to everyone and all the important people, Gurdar Sahab. Everyone is important. Adab, adab, namaste, everybody. Nilima, hi. And all the wonderful people here whom I don't know personally, but love you all. Thank you very much to the SWA. Javed Sahab, I'd like to say a special thanks to him for the beautiful citation and talk that he's given on my father-in-law. And Ranveer ji, thank you so much also for being here with us. Rahi sahab ke baare mein I don't know, I'll just take one quick minute of your time to mention that I actually came from London. I was not born in India. Meri Hindi ekdam badhiya nahi hai, lekin Rahi sahab ek aise vyakti hai. I knew him as a person, more than a professional. And the welcome that he gave me as a Hindu bahu was most disarming, most beautiful and gracious. And I would like to let people know that my father-in-law was way beyond just a writer, way beyond a poet, way beyond a novelist, way beyond the regular showbiz person.
he was a Mahan insan for me, because he practiced the values of unity, he practiced the values of love and all inclusiveness. There in his house, there was no one who could come to his house and go back without eating. In his house, his doors were always open. Unki darwaze hamesha khule rehte the sab ke liye, jo bhi aate the bina kha ke wo unke ghar se nahi ja sakte the. So it was a very unique relationship. Hamare relationship jo Rahi sahab ke the, it was not just of a father-in-law and daughter-in-law. We were friends. Hum bahut choti umar ke the lekin hum log doston the. सबसे बड़ी बात ये है. एंड उनकी जितने भी गज़लें उन्होंने लिखी वो मुझे दिया था कंपोज करने के लिए, और हमेशा मेरी आवाज़ में बुलाते थे और सुनते थे घर पे. उनके पास एक ब्यूटीफुल कंपोज़र शान जो सिंगर है, उनके फादर मानस मुखर्जी, वो कंपोज करते थे उनकी एक फेवरेट गज़ल. दो लाइन अगर आपकी इजाज़त है तो सुना देती हूँ, दो लाइन. जिनसे हम छूट गए. I want to mention this was composed by Shan's father, Manas Mukherjee. अब वो जहां कैसे शाखे गुल से जिनसे हम छूट गए. मैं तो पत्थर था, मुझे फेंक दिया, ठीक किया. मैं तो पत्थर था, मुझे शहर में शीशे के मकान. आज उस शहर में शीशे के मकान कैसे हैं, शाखे गुल कैसे हैं, खुशबू के मकान कैसे जिनसे हम छूट गए. My voice is shaking. I'm a little bit vibrating at the moment with the emotion, and I'm grateful. I'm so grateful that Rahi Sahab is being acknowledged so many years after he has passed on. So many itne saal ke baad उनके फ्रेटर्निटी ने उनको याद किया. बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. और आप सबको अल्लाह और भगवान खुश रखें, एकता रहे हमारे देश में, यही मेरी प्रार्थना है.